विद्यार्थियों, आरसीआई एजुहब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा गोली दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। अभी हमने इस पहले के वीडियो में परावर्तन के बारे में अध्ययन किया था। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन में कौन कौन से बिंदु होते हैं, आपतन कोण हो गया, आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया, परावर्तन हो गया, इस तरह से। अब हम बात करते हैं गोल दर्पण की बात होती है। गोल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, तो उसमें केवल उनकी बेसिकली बात की गई है इस टॉपिक के अंदर। देखो, अगर हम दर्पण की बात करें तो देखो, दर्पण है मोस्टली मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कौन कौन से, दर्पण का पहला जो प्रकार है वो है समतल दर्पण। समतल दर्पण और जो तीसरा, जो दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है गोली दर्पण। गोली दर्पण, ये दो प्रकार है दर्पण के मुख्य रूप से। यानी दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई, एक तो समतल दर्पण प्लेन मिरर, और एक होता है गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें कि भाई समतल दर्पण क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ समतल होते हैं, उनको समतल दर्पण कहा जाता है। जी हाँ, इसकी परिभाषा क्या कि ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ समतल होते हैं, उनको समतल दर्पण कहा जाता है। इन दर्पणों की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है। अब बात करते हैं गोली दर्पणों की। हम बस ये बेसिक चर्चा करेंगे इसमें कि बेसिक चर्चा करेंगे कि दर्पणों के बारे में। अब बात करते हैं गोली दर्पणों की। तो ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं, उनको गोली दर्पण कहा जाता है। पर इसमें देखो, इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है इसके अंदर वो कैसा होता है, इसमें तो समतल होता है। और इसमें जो परावर्तक पृष्ठ कैसे होते हैं, इसमें गोली होते हैं। तो जिनकी परिभाषा है वो यहां से ही निकलती है कि ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोली होते हैं, उन्हें गोली दर्पण कहा जाता है। अब ये जो दर्पण होते हैं गोली, ये दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से, एक होते हैं अवतल दर्पण और इसका दूसरा प्रकार है उत्तल दर्पण। दो प्रकार है अवतल और उत्तल। इनमें अगर हम दो पृष्ठ की बात कर दिखाएं आपको भाई कैसे इनकी आकृति होती है, तो ये इसकी जो आकृति उस प्रकार की होती है, इस प्रकार की। इस दर्पण के बाहर की साइड में ऐसे हम पॉलिश कर देते हैं इस प्रकार से। इसका जो ज्यामिति जो केंद्र होता है यहां, इसको हम ध्रुव कहते हैं, जिसको ध्रुव कहा जाता है। और ये इसकी परिभाषा ये कि जो गोली दर्पण होते हैं उनका जो ज्यामिति जो केंद्र होता है या जो मध्य बिंदु होता है परावर्तक पृष्ठ का, उसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुव पी द्वारा दर्शाया जाता है। और जो इनका वक्रता जो केंद्र होता है, वक्रता केंद्र और जो ध्रुव है, जो रेखा इसको मिलाती है, उसको हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं, उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। जो रेखा जो लाइन वक्रता केंद्र जो होता है सी और ध्रुव को जो मिलाती है, उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, इसमें इस टाइप से होता, देखो इसमें जो इनका जो परावर्तक पृष्ठ है वो इसमें उभरा हुआ है और ये इसका मध्य बिंदु होता है ध्रुव। देखो इसमें तो जो परावर्तक पृष्ठ है, तो ये वाला देखो, ये जो पृष्ठ ये वाला जो दर्शा हुआ है अंदर की ओर, ये हमारा इसमें परावर्तक पृष्ठ है। तो यहां तो दर्शा हुआ है अंदर की ओर, लेकिन इसके बाहर की तरफ पॉलिश की गई है, इसलिए इसका उल्टा होता है।
इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है देखो बाहर की ओर उभरा हुआ है, ये देखो ये जो पृष्ठ इसका इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ इसको। लेकिन इसका जो अंदर वाला जो भाग है इसके अंदर वाले भाग में कोलिस ली है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो इनकी परिभाषा इनके नाम से स्पष्ट हो जाती है कैसे कि देखो आउ आउ का मतलब होता है अंदर की ओर धसा हुआ और तल का मीन्स क्या होता है तल यानी अंदर की ओर धसा हुआ तल यानी ऐसे गोले दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसे होते हैं उनको आउ दर्पण कहा जाता है। इसमें है उत्तल उत प्लस तल उत का मतलब उभरा हुआ तल जिनके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं उनको उत्तर दर्पण कहा जाता है। अगर हम आगे बात करते हैं हम लेंस की अगर बात करें तो लेंस में तो क्या होता है लेंस दो प्रकार के होते हैं उत्तल और अवतल। लेंस में जो लेंस होते हैं उनका जो केंद्र होता है ज्यामिति केंद्र वो प्रकाशीय केंद्र उसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं और जो उनका मुख्य जो फोकस होता है जो रेखा मुख्य फोकस और जो प्रकाशीय जो केंद्र जो रेखा मिलाती है उसको हम इसका मुख्य अक्ष कहते हैं ये लेंस लेंस होता है। तो लेंसों में प्रकाशीय केंद्र और जो मुख्य फोकस होता है जो रेखा उसको मिलाती है उसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म थी दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या होते हैं कितने प्रकार के होते हैं दर्पण कौन कौन से हैं इनमें ध्रुव क्या होता है और लेंसों में प्रकाशीय केंद्र क्या होता है प्रकाशीय केंद्र और जो मुख्य फोकस होता है उसको रेखा मिलाती है उसको भी मुख्य अक्ष कहा जाता है और दर्पणों में जो रेखा वक्रता केंद्र और जो रेखा ध्रुव को मिलाती है उसको हम मुख्य अक्ष उसको भी कहा जाता है। तो ये इनके कुछ दीक्षा ऐसा कुछ परिभाषाएं थी छोटे छोटे इस टॉपिक में कि भाई दर्पण क्या होता है प्रकार क्या है मुख्य अक्ष क्या होता है ध्रुव क्या होता है। ध्रुव की सिंपल परिभाषा है कि भाई गोल दर्पणों का जो ज्यामिति केंद्र होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है अगर हम डायग्राम की बात करें अगर हम इससे माना कि हम समतल दर्पण की बात करें मानव मन दर्पण है समतल तो उसमें इस प्रकार से होता है इमेज मानव प्रकाश में यहाँ सारी है और यहाँ टकराती है इसका उत्तर परावर्तन हो जाता है और यहाँ पे अगर विलम्ब डाल लेते हैं इस तरह से ये आई और आर हो गए इस तरह से डायग्राम होता है इसका अगर हम यहाँ इधर पॉलिश कर दें इसके तो ये सिंपल सी बात इसमें है दर्पणों में भाई समतल में तो यहाँ इस प्रकार से होगा। और जो परावर्तक जो नियम होते हैं नियम परावर्तक नियम सब दर्पणों के लिए ही काम में आते हैं सबके अंदर। तो ये था हमारा परावर्तन और कुछ परिभाषाएं जैसे हमने मुख्य अक्ष की बात की ध्रुव की बात की लेंस में हमने मुख्य अक्ष की बात की इस तरह से हमारा टॉपिक था ये। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चिन्ह परिभाषा की तो आप इस टॉपिक को ध्यान समझेंगे इसको उतारेंगे याद करेंगे। इस वीडियो में इतना ही थैंक यू।